भाई क्या जॉब करता है? तो गाइस मैं यहाँ पे वॉलमार्ट में हूँ, वॉलमार्ट में जो कैप टू एसोसिएट, दिस इज अ डिपार्टमेंट एक्चुअली, तो कैप टू इज अ डिपार्टमेंट, तो मैं उसमें आई एम वर्किंग। और तू अपना बता। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ उसका नाम है बेशोर, और वो थंडर में भी काफ़ी पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है। उनका पे रेट भी अच्छा है, और मैं वहाँ पर जो है, जो मेरी पोजीशन है वो है PSW की, दैट इज़ अ पर्सनल सपोर्ट वर्कर। गाइस, पर्सनल सपोर्ट वर्कर जो है, मैंने कैसे जॉब ली उसका रीज़न ये है कि मैं एक IEN कैटेगरी में आती हूँ, दैट इज़ इंटरनेशनल एजुकेटेड नर्सिंग। मैंने इंडिया से नर्सिंग की हुई है, और इसलिए उन्होंने मुझे एलिजिबल माना इस जॉब के लिए। पर थंडर बे की मैं बता रही हूँ, थंडर बे में अगर कोई नॉर्मल इंसान भी एज अ PSW वर्क करना चाहे तो कर सकता है, बट द क्राइटेरिया इज आपको 3 मंथ्स की उनकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, पर वो पेड होगी। तो वो जब आपको ट्रेनिंग करवाएंगे तो आपको वो पे भी देंगे, पर आपको शायद फील्ड में जॉब नहीं देंगे उस टाइम पे, आपको कुछ सर्टेन एरियाज हैं उसमें जॉब देंगे। और जब आपने वो ट्रेनिंग अच्छे मार्क्स से, मतलब पास आउट कर ली, फिर वो आपको एक एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं। क्योंकि थंडर बे में जो ओल्ड फोक्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू भाई यंगर यूथ, तो इस वजह से उनको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो आते ही इसलिए मैंने जॉब, जिनकी हाई पे रेट थे, मैंने उन्हीं पे ही अप्लाई किया था। मैंने 3 जॉब अप्लाई की थी और मुझे तीनों से ही रिवर्ट बैक आया था, क्योंकि हेल्थ प्रोफेशन यहाँ बहुत डिमांड में है गाइस। और मैंने आपको बताया था कि मेरी पे रेट ज़्यादा, तो ऑब्वियसली ये डिस्क्लोज करना तो थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं होगा कि हम कितना पे कमाते हैं, पर मेरी मिनिमम वेज नहीं है और गगन की में बेनिफिट्स ज्यादा हैं। गाइस मेरी मिनिमम वेज है यहाँ पे, लेकिन मेरी बेनिफिट ज्यादा हाँ, है तो मतलब क्योंकि अगर हम एक कंपैरिजन करें बैलेंस का, भाई जो हमारे खर्चे होते हैं और तो हमारा सेम ही पड़ता है, क्योंकि गगन को वॉलमार्ट से गाइस 20% ऑफ मिलता है, तो इट्स लाइक हाँ, बट वो हमारा 20% ऑफ महीने के एक आफ्टर। दिन मिलता है, लेकिन 3 महीने जब आपका प्रोबेशन पीरियड होता है वो खत्म अगर आप कर लेते हैं तो वो आपको फिर एक यू आर एलिजिबल फॉर 10% डिस्काउंट ऑन एनी परचेज, तो आप कभी भी कुछ भी खरीद सकते हैं विद 10% डिस्काउंट, यू कैन अवेल अप टू 10%। और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें, हमारे तो ग्रोसरी का जो है रेट एक कम आता है, पर हमने देखा है औरों के व्लॉग्स में भी, जनरली लोग क्लेम करते हैं और बोलते हैं कि $250 से $300 ग्रोसरी का उनका एक जने का खर्चा हो जाता है, पर आई गेस हम दोनों का इतना होता है। हमारा इतना नहीं होता, हमारा आई थिंक मिला के मतलब उससे कम होता है हमारा फॉर श्योर। उसका रीजन ये भी है कि भाई हम मतलब ज्यादा ज्यादा ग्रोसरीज ऐसा नहीं कि हम सिर्फ वही चीजें लाते हैं जो हमारे काम की हो, और दूसरा पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हम एकदम एसेंशियल उस पे ही रहते हैं, हम हाँ बाकी चीजें भी लेते हैं, लाइक स्नैक्स वगैरह, एपेटाइजर्स वगैरह हम लेते हैं। हाँ एवरीथिंग इज देयर, बट फिर हम वो जो डिस्काउंटेड प्राइस है, और मैं खासकर हम उस खासकर उस दिन शॉपिंग करते हैं जब यू नो 20% डिस्काउंट ले लो, तो क्योंकि जो मेन एक्सपेंसेस आफ्टर रेंट है किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए वो ग्रोसरीज ही हैं, तो ग्रोसरीज का अगर आपको पैसे में डिस्काउंट्स मिल जाते हैं तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, और आई थिंक इसलिए ये कमाती ज्यादा और मैं बचाता ज्यादा हूँ, तो ऐसा सो है। दैट काइंड ऑफ यू नो वी आर ऑन द सेम पेज। ऑब्वियसली आपके साथ अगर कनाडा में एक कंपनी है तो उससे तो बेटर कोई बात है ही नहीं। एंड द सेकंड चीज दैट यू वर टोल्ड, वी आर टेलिंग मी कि भाई एक दिन भी लोग काम करते हैं जस्ट फॉर द मनी। हाँ कई बार ऐसा है कि अगर आप आएंगे यहाँ पे कनाडा में, और आप आके देख सकते हैं क्योंकि मैंने भी वो चीज नोटिस की, सो जस्ट टू एंजॉय दैट यू नो एडवांटेज ऑफ दैट कंपनी, यहाँ पे कई बार लोग सिर्फ एक दिन काम करते हैं वॉलमार्ट, यू नो सिर्फ एक दिन काम करेंगे, बाकी उनका जो भी है वो करेंगे मेनली, तो वो एक दिन काम करके यू नो बिकॉज यू कैन बी एन एम्प्लॉय ऑफ वॉलमार्ट, तो फिर आप यू आर एंटाइटल्ड फॉर फॉर ऑल द बेनिफिट्स इवन बाय वर्किंग 4 days इन अ मंथ, तो आपके लिए ये भी फायदा हो तो जाता है। लोग ऐसा मतलब यहाँ ट्रिक करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक दिन करेंगे एक हफ्ते में, ताकि जितने भी प्रिविलेजेस हैं उन्हें मिल सके, और बाकी दिन वो कोई और सी जॉब करते हैं। और जो मेन कंसर्न हमने सुना है लोगों से, कि वो इस चीज़ के बारे में डरते भी हैं कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उनसे क्या सवाल पूछेगा एट द टाइम ऑफ देयर अराइवल इन कैनेडा, और इस केस में गगन तू बता अपना एक्सपीरियंस क्या होगा। गाइज मतलब वहाँ पे जब आप पहुँचेंगे एयरपोर्ट पे, तो मैं जब आया इंडिया से तो मैं पहले दुबई में था, तो दुबई से फिर एक और फ्लाइट ली टोरंटो, तो टोरंटो में आने के बाद जब मैं आ गया था तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन हम बाहर आए तो इमिग्रेशन एरिया था, वहाँ पे बहुत सारे डेस्क हैं, तो बहुत सारे एजेंट, इमिग्रेशन एजेंट्स जो उनके हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी है, वो वहाँ बैठे हुए थे, तो हमें एक एक करके जाना था,
तो मुझे आज अभी भी याद है जब मैं मतलब मैं खड़ा था लाइन में, तो मेरे आई थिंक 3-4 लोग आगे थे मेरे, तो वहां पे एक और लड़का था, और मतलब मैंने जब उससे मैंने बाद में बात की तो उसने मुझे उस समय बताया कि आई थिंक पहली बार ट्रैवल कर रहा था इवन इन प्लेन। और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हमने बहुत बार किया, हमारा भी वो इंटरनेशनल पहली फ्लाइट थी, तो जब वो था तो आई थिंक उसकी मतलब उसे थोड़ा सा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम वहाँ पे आई, क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रही थी, मतलब फ्लुएंट थी कैनेडियन। तो जब उसको उसने उससे सवाल पूछे तो वो नहीं बता पाया सारे सवाल, तो वहाँ पे दिक्कत होती है कि भाई आपको क्या, लेकिन आपके पास एक रिजेक्ट हो गया नहीं तो, लेकिन आपको तो दैट इज अ काइंड ऑफ मिथ, क्योंकि मैंने भी सेम ऐसा नहीं, वहां पे रिजेक्शन नहीं होता, अगर आप उनको सारे जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं, अगर आप उन्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हैं, वो आपसे सवाल पूछते हैं दो चार, जैसे मेरे से सवाल पूछा था कि आप कब आए, मतलब आपका कोर्स कब स्टार्ट हुआ था, तो वो सारी भले ही वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पेपर्स में है, बट वो फिर भी आपसे सुनना चाहते हैं कि आपका कोर्स कब स्टार्ट हुआ था, आप अभी कहाँ जाएंगे, यहाँ पे कोई आपका जानकार है या नहीं, टोरंटो में। तो मेरे फ्रेंड्स थे हमारे कुछ सेकंड कजन्स भी यहाँ पे हैं, तो उसके लिए तो मैं डाउट नहीं था मुझे, मैंने कहा मैं बता दूंगा, लेकिन उन्होंने मेनली ये मेरे से ये पूछा था आपकी स्टडीज़ के बारे में वो लोग पूछते हैं। लेकिन जब उस लड़के से उस भाई से वो पूछ रहे थे तो वो थोड़ा डर गया, तो आई थिंक वो पंजाबी बैकग्राउंड से था, उसे शायद पंजाबी आती थी, द मेन लैंग्वेज वाज पंजाबी। या मेरी भी एक फ्रेंड ऐसी है जिसे सिर्फ पंजाबी आती है और इंग्लिश आती है, तो थोड़ा सा तो वहां पे जब वो पंजाबी में जब वो इमिग्रेशन ऑफिसर पूछ रही थी तो वो पंजाबी में रिप्लाई कर रहा था, तो वो उसको कम्युनिकेशन गैप वहां पे हो गया था। और फिर वहां पे एक पंजाबी गर्ल थी उन एजेंट्स में, तो वो उसको बुलाया गया वहां पे, फिर उसने उससे बात करी और वहां पे चीजें सॉर्ट आउट हो गई। ऐसे ही दिक्कतों की बात नहीं होती है आपको, हाँ, सिर्फ क्योंकि गाइस जब हम आए थे ना यहाँ पे, तो मतलब हमारे आने से पहले हमने लोगों से क्या क्या सुना था, तुम अगर बोल नहीं पाए तुम रिजेक्ट कर देंगे, तुम अगर कह नहीं पाए तुम घबरा गए तो तुम रिजेक्ट, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर, बहुत अच्छे लोग हैं वो। आप जब गगन जैसा बता रहा है कि वो जो पंजाबी कम्युनिकेटर था वो बुलाया ट्रांसलेटर, तो मतलब आप सोचो कितना हेल्पफुल स्टाफ है, उन्हें पता है आपके पास। आप यहाँ पे बस एक चीज है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया, हमने भी कुछ गलत नहीं किया था, ना उस लड़के ने किया था, बस आपको ये कॉन्फिडेंट रहना है कि भाई हाँ हम पढ़ने आए हैं, ये हमारा कॉलेज है, ये हमारा कोर्स है, ये चीजें वो पूछेंगे, तो उसमें ऐसी डरने की कोई भी बात नहीं है। कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल वो आपको मैथ्स की फिजिक्स की इक्वेशन कुछ नहीं देंगे, वो बिल्कुल सिंपल सवाल पूछेंगे, बस आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। और आई थिंक जो मेरा सेशन था वो सिर्फ 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा चला था, वो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई दो सवाल मेरे से पूछे, आप यहाँ पे किसी को जानते हैं क्या, और फिर आपका कौन सा कॉलेज है, कौन सा कोर्स है, बस ये। फिर उसके बाद उन्होंने वो जो एजेंट था वो उठा अपनी सीट से, वो आई थिंक बैक में गया, उसने मेरा स्टडी परमिट प्रिंट किया, उसने मुझे प्रिंट दिया और मैं बाहर आया। इट वॉज मेरे को लाइन में ज्यादा टाइम लगा कंपैरेटिवली जो मैं वहाँ पे पोडियम पे गया था उनके साथ। हाँ, और गाइस अब तो मेरे साथ तो ये हुआ था, तो नीति के साथ क्या हुआ? मेरे केस में ये हुआ था गाइस कि जब आप कनाडा आते हो तो, और ये चीज आप ध्यान से भी सुनना कि जब आप कनाडा आते हो आपको एक गवर्नमेंट अप्रूवल लेटर लाना होता है जिसपे एक बार कोड होता है, जो मैं भूल गई थी। और उन्होंने बोला, हम लाइन में थे और तो दो सेक्शन थे जिनका कोविड लाइक एक ग्रीन स्टिकर लगता है, एक पिंक स्टिकर लगता है। एक पिंक स्टिकर है तो आपको लाइन में वेट करना होगा, कोविड टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। अगर ग्रीन स्टिकर है तो यू कैन डायरेक्टली। तो पिंक स्टिकर में उन्होंने मुझे लाइन में लगाया, उन्होंने बोला अपना गवर्नमेंट अप्रूवल लेटर, अपना स्टडी, अपना पासपोर्ट और अपना एक डॉक्यूमेंट और था आई थिंक LOA वगैरह है, GIC समथिंग, वो निकाल लो, हमें सिर्फ वो देखना है। मैं गवर्नमेंट अप्रूवल लेटर नहीं लाई, तो मैंने गगन को फ़ोन किया, मैंने अपनी कंसल्टेंसी में भी फ़ोन किया एंड देवर सो हेल्पफुल। लेकिन सबसे ज़्यादा जिन्होंने मेरी हेल्प करी वो थी वो वहाँ पर जो लेडी थी वहाँ की एम्प्लॉय, उन्होंने बोला कि आपके पास कोई बार कोड वाला लेटर है, चाहे आपके पास गवर्नमेंट। तो मेरे पास एक लेटर था जिसमें बार कोड था, इट वॉज अ सिंपल लेटर जस्ट विद अ बार कोड। स्कैन किया, 5 मिनट बैठी, मेरे पास मेरा स्टडी परमिट जब ही आ गया, नो क्वेश्चन आस्क्ड, जस्ट गॉट माई स्टडी परमिट एंड वेंट फॉर द कोविड टेस्टिंग करवाई। बस मेरा लगेज लेट हो गया था, इस चक्कर में मेरी सेकंड फ्लाइट रह गई थी, लेकिन मैंने वो टिकट बुक नहीं कर रखी थी, तो मैंने नेक्स्ट डे की फ्लाइट ली और फिर मैं आ गई ठंड में। तो इट वॉज दैट। जैसे आपने नीति की इंडिया टू कैनेडा जब जर्नी की वीडियो देखी होगी, तो उसमें इसने अपने एक गलती के बारे में बताया था,
और वो किसी से भी हो सकती है, बहुत स्वाभाविक है। आप भाई आप दूसरे देश से आ रहे, इतना सारा लगेज लेके आ रहे हैं। तो जब ये आ रही थी, इसने एयरपोर्ट चेकिंग के दौरान अपना लैपटॉप वहीं छोड़ दिया। तो जब लैपटॉप भूल गई तो उसके इसके सारे डॉक्यूमेंट्स उसी में थे, हर चीज़ उसी में थी। तो यहाँ पे जब आई, जब यहाँ लैंड हो गई थंडर बे में और जब हम घर पे आ गई थी, उसके बाद इसने देखा कि लैपटॉप बैग में नहीं, तो फिर इसने सोचा कि कहाँ रह गया। तो वो वहाँ पे सिक्योरिटी में रह गया था चेकिंग के टाइम पे। तो आते ही हमने कॉल किया वहाँ पे, मैंने कॉल किया था एयरपोर्ट पे, मैंने बात की उनसे, उन्होंने कहा कि हम एक ईमेल एड्रेस है, उन्होंने ईमेल एड्रेस दिया और वहाँ पे आप ईमेल भेज दीजिए अगर आपके आपको डिस्क्रिप्शन देना है अपने आइटम का, जो अगर वो डिस्क्रिप्शन से मिलता जुलता कुछ भी उनके पास हुआ तो वो जरूर आपको बताएंगे। और गाइस मेक श्योर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ला रहे हैं ना, उसकी फोटो रखो। हाँ। उसके एक प्रॉपर IMEI नंबर या कोई भी बारकोड नंबर की आप फोटो रखो, क्योंकि उन्होंने मेरे से मांगी और मेरे पास नहीं थी। उन्होंने पूछा भी था कि अगर उस पर कोई इंक्रिप्शन है या उस पर कुछ लिखा हुआ है लैपटॉप पे, कुछ स्लिप लगी हुई है, तो आप हमें बता दीजिए। और मैं उनको बता रही हूँ कि मेरा लैपटॉप वहाँ रह गया और चार्जर मेरे पास, मैच करके देख लो। हाँ, तो पर ऐसा तो होता नहीं है, आपके लैपटॉप में कोई भी चार्जर कोई और भी लग सकता है। तो उस चीज के लिए उन्होंने बहुत असिस्टेंस हमें मिली एयरपोर्ट से। एक बार तो मेरा ऐसा मन था क्योंकि शायद मेरे को थंडर बे से दोबारा टोरंटो जाना लेट हो सकता है, लेकिन आएगा जरूर। हाँ, आप कम्युनिकेशन जारी रखिए, आप अपनी चीजों को बता दीजिए, बार बार ईमेल भेजिए अगर नहीं रिप्लाई आता है तो। बट एट लास्ट आई थिंक एक महीने के बाद ही गगन, क्योंकि वो 21 डेज का आपको टाइम देते हैं, उसके बाद भी वो भी एक्सटेंड हो गया, फिर भी मैंने उन्हें दोबारा मेल किया तो बोलते हैं कि हम फिर 21 डेज देखेंगे। और उन्होंने, उनका मैसेज आया मेरे पास विद इन आई गेस 4-5 डेज, और उन्होंने बोला कि हमको आपके जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया था उससे सिमिलर आइटम एक मिल चुका है, तो आप अगर आप हमें कुछ पे करिए, या तो यहाँ पर आके आप आ जाइए और ले जाइए, वरना आप डिलीवरी चार्जेस पे करिए और आपको हम थंडर बे लैपटॉप दे देंगे। तो मैंने $50 दिए थे, विच इज़ वर्थ इट गाइस, क्योंकि मैं इसको अपडेट करवा के आई थी इंडिया से सारी चीज़। तो नहीं, और अगर आप फ्लाइट में भी जाएंगे तो भी 50 से तो ऊपर होगा ही, तो बेटर है आप अपने वो चार्जेस पे कर दीजिए और फिर वो आपको घर पे आपके डिलीवर कर देंगे सामान, बिल्कुल आपके घर पे आ जाएगी चीज़। तो यहाँ पे आ गई थी वो, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट गाइज, ग्रोसरीज को लेके, क्योंकि जब हम इंडिया से चलते हैं तो हमारे घर तो था, मुझे नहीं पता आपका ऐसा था कि नहीं, पर हमारी मम्मी ने कहा था कि ये ले जाओ जो इंडियन ग्रोसरीज हैं, तो मैं आटा ले जाओ। हाँ, आटा, चीनी, चावल, ये सब चीजें, मसाले ले जाओ। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज लाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें यहाँ पे रेडिली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, वॉलमार्ट में है, यहाँ पे सुपर स्टोर्स हैं, इंडियन स्टोर्स हैं, यहाँ पे कम्युनिटी इंडियन स्टोर्स हैं, तो आप जा सकते हैं और आपको सब चीजें मिल जाएंगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको वहां से कैरी करनी पड़े, नॉट इवन कुछ भी नहीं, मतलब सारी चीजें आपको, सारे मसाले, सारी ग्रोसरीज, सब्जियां सब मिलती हैं, ऐसे कुछ लाने की जरूरत नहीं गाइस। बर्तन भी ज्यादा लाने की आपको जरूरत नहीं है, जो सिर्फ एक बेसिक है जो भी आपको स्टार्टिंग में जाके चाहिएंगे, जैसे प्लेट हो गई, एक चम्मच हो गई, हम तो लाए थे एक प्लेट, एक चम्मच, एक कटोरी, एक ग्लास, ये मैं ले गया। टू डिस्पोजेबल ले आओ, कितने दिन चले, नहीं, डिस्पोजेबल भी, ले डिस्पोजेबल भी, या तो मैं तो कहूंगा बर्तन भी मत लाइए, आप यहाँ पे जाएंगे या सुपर स्टोर में आपको मिल जाते हैं, कुछ लाने की जरूरत नहीं है। आप इसकी जगह अपनी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम कई बार घर पे छोड़ के आते हैं वो ले आइए, खासकर जूते। तो इंडिया में बहुत वैरायटी ऑफ शूज मिलती है गाइस, मैं यूं नहीं कहूंगा कि कनाडा में नहीं मिलती, कनाडा में भी मिलती है, बट बहुत एक्सपेंसिव है कंपेयरिंग टू इंडिया। तो हम जब आए थे हमने पहले ही आई थिंक 5-6 पेयर मैंने तो शूज के ऑर्डर कर रहे थे, मैं शूज लेके आया था, मैं कंबल नहीं लेके आया गाइस, जो हमारे जो टिपिकल सिग्नेचर के मिंक ब्लैंकेट्स हैं वो जो भारी वाले हैं, वो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आएंगे आपको नॉर्मल ब्लैंकेट्स में भी काम चल जाता है, तो आप अपना लगेज उन चीजों से भारी मत कीजिए, ये आप चीजें याद रखिए। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी नीति बताएगी, क्योंकि यहाँ पे चीजें हुई थी तो वो उसके बारे में ये बताएगी और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर दिमाग में रखिएगा। तो गाइस इस व्लॉग में हमने अब यहाँ तक आए हैं, तो मैं आपके साथ अपना एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल एक्सपीरियंस शेयर करती हूं, टेरिफाइंग एक्चुअली। तो जब हमने सिन नंबर के बारे में बताया तो उसके साथ हमें एक और चीज बतानी थी, और वो ये है कि जब वो आपको सिन नंबर देते हैं तब वो आपको बोलते हैं कि आपको ये सिन नंबर किसी को नहीं देना है, किसी को भी नहीं, एक्सेप्ट योर जो जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो या फिर बैंकिंग के, उसके अलावा कहीं देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप शॉपिंग पे जा रहे हो, आप कोई प्रॉपर सर्विस ले रहे हो, किसी भी में भी नहीं, मत दिखाओ सिन नंबर, ना किसी को दो।
और ज्यादातर ऐसा होता है, मतलब मैंने जितना देखा है, क्योंकि भाई ने कॉल लिया, मेरे पास भी कॉल आया, जब आप नया सिम नंबर लोगे तो आपके पास आपके सिम पे, सिम लेने के बाद आपके सिम पे कॉल आएगा, फ्रॉडुलेंट कॉल, और वो आपसे पूछेंगे कि भाई आपके सिम, मतलब आपको एक टैली मैसेज होगा जिसमें ये आएगा कि आपके देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर सिम नंबर। तो आप भाई, मैं मुझे नहीं पता था, इसमें इसकी भी गलती है, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा मैं नहीं आई, मुझे लगा मे भी कुछ हो गई या दिक्कत, तो मैंने वो प्रेस किया कोई बटन उन्होंने कहा था प्रेस करने के लिए। उसके बाद एक बंदे ने मेरे से बात करी और वो प्रॉपर नंबर होता है कैनेडा का, आप देख भी सकते हो, ऐसे अननोन कॉलर नहीं दिखाता उस पर। उसने मेरे को बोला कि आपके सिम पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन हुई है और आपने मिलियन डॉलर्स का घोटाला किया है। बस मैं सुबह उठी थी, मेरी क्लास चल रही थी, क्लास जाओ कहीं भी, मैं कह रही ये कैसे हो गया, कह रहा और आपने विनिपेग और मैनिटोबा की तरफ से ये सारी चीजें करी हैं और एक बंदा है जिसके नाम पे, जिसने ये सब करा, अगर आपने नहीं करे, और वो प्रॉपर आपसे बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल वे में पूछेंगे, तो आपने नहीं करे, आप क्लेम कर रहे हैं, यस और नो, ऐसे टिक करेंगे, ये चीजें बकवास, मतलब बहुत करी उन्होंने। दो चार बंदे थे, एक पुलिस ऑफिसर बन के एक ने मेरे से बात करी, एक ने बैंकिंग एजेंट बन के मेरे से बात करी, ऐसे ऐसे, उस बैंक का एजेंट जिसमें ऐसे मल्टीपल अकाउंट्स थे, ये था जिसमें मेरा सिम नंबर इन्वॉल्व था, और मैं डर गई। मैंने गगन को, मैं बात भी नहीं कर सकती क्योंकि उनका सबसे वो कि अगर फ़ोन कट जाएगा और बच्चे ने अगर किसी और से पूछ लिया तो ऑब्वियसली मैं गगन को फ़ोन कर लेती तो वो बोल देता ये सब झूठ है, काट देगा। उन्होंने मुझे बोला कि मेरे अगेंस्ट 39 वारंट्स हैं और हम आपको अभी लेने आ रहे हैं, आप अगर ये बात सुनो, आप अभी आए, और मैं इसके साथ रहती भी नहीं थी तो आपको डर तो लगेगा। अब मैं सोच रही कि मैं इसको, और बोल रहे ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी को नहीं देनी है वरना हम समझेंगे कि और लोग भी बोल रहे हैं। अब मैं अच्छी बहन की तरह क्या सोचूंगी कि मैं मर गई तो मर गई, मेरा भाई तो जिए, तो मैंने सोचा इसको इन्वॉल्व नहीं करती, फिर भी मैंने एक टेक्स्ट करा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। नहीं गाइस, मुझे मैं एक्चुअली क्या हुआ उस दिन, मैं जा रहा था अपने ऑफिस में और इसका मेरे पास एक टेक्स्ट आया कि देर इज अ प्रॉब्लम। तो मुझे लगा कि भाई कोई नॉर्मल प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ है, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं इसके घर के आगे से निकल रहा था। तो मैं सोचा कितना दिमाग लगा रही हूँ कि इसको नॉर्मल टेक्स्ट नहीं करती हूँ, इसको मैं व्हाट्सएप से टेक्स्ट करती हूँ, वो भी इंडिया के नंबर से। मेरा ये दिमाग चल रहा है कि मैं अपने भाई को तो बचा लूँ पर मैं इसको बता दूँ कि गगन मैं फंस गई तो तू मम्मी का ध्यान रखियो, मैं ये सब सोच रही हूँ पता है। और ये मेरे को फोन करने जा रहे हैं, फोन नहीं काट रहे हो, कंटिन्यूअसली फोन पे है क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं किसी और से बात कर लूंगी तो उन्हें वो मुझे समझा देगा या वो मुझे गाइड कर देगा कि ऐसा होता है। और ये एक बहुत ही यू नो वेरी ऑब्वियस चीज है, कोई आपको फ्रॉडुलेंट कॉल आने कहीं पे भी आ सकते हैं, उसमें से कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन जब मैं घर पे आया, मैंने इसे देखा, मैं इसके रूम में मैंने नॉक किया तो मैं अंदर गया, तो जिस तरह का सेटअप कमरे में उस टाइम था, इसने अपना यू नो सिम कार्ड सिम नंबर रखा हुआ था पास में, और विद इन 5 seconds की कमी थी और मैंने अपना सिम नंबर उन्हें दे दिया। हाँ, फिर इसने जैसे ही मैंने वो चीजें देखी तो एकदम से वो मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ, मैंने कहा आई थिंक इसके पास फ्रॉडुलेंट कॉल है और ये इसने वो चीजें मतलब बता दी होंगी। और मुझे नहीं लगता इस चीज के बारे में आज तक किसी ने भी बताया होगा कि सिम नंबर पे आपको फ्रॉडुलेंट कॉल आते ही आते हैं। हाँ, और फिर जब मैंने इसको देखा, मैंने इससे कहा, मैंने कहा क्या, तो ये डरी हुई थी उस टाइम पे, तो यू नो आप डरे हुए इंसान को आप क्या कहेंगे, तो मैंने इसे सिर्फ एक चीज कहा, मैंने कहा कॉल काट दी, तो इसने कॉल काट दी। इसने कहा कि आर यू श्योर, मैंने कहा यस जस्ट कट द कॉल, इसने कॉल काट दी। कॉल काटने के बाद भी उनका दोबारा कॉल आया यार, और फिर उनका कॉल ही नहीं आया। वो मुझे बोल रहे थे, उन्होंने मुझे प्रॉपर प्रोसेस बताई, प्रॉपर प्रोसेस आई, उन्होंने मुझे एकदम से नहीं बोला बिट वॉलेट, उन्होंने बोला BIT, आप एक पेपर और पेन लेके बैठे हैं, हम बताते हैं, एक BITCASHWALLET में आपको डलवाने हैं, ये एक प्रॉपर तरह का वॉलेट होता है, जितने भी पैसे हैं आप इसमें डलवा दो ताकि गवर्नमेंट को ये लगे कि आप उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। और जब मैंने गगन को ये पेपर दिखाया तो गगन बोला ये बिटकॉइन है नीति, वो तेरे को बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, मैंने कहा कि ये आप कम से कम घबराए हुए इंसान नहीं देख सकते। हाँ, और मैंने जब वो देखा तो उसमें लिखा हुआ था, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि भाई आपको पहले अपने पैसे विड्रॉ करने हैं बैंक अकाउंट से, फिर आपको बिटकॉइन अकाउंट में डालने हैं, और जब हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी देन यू कैन विड्रॉ, और जहां तक आपको पता है जो ये करेंसी है उसमें से आप विड्रॉ नहीं कर सकते चीजें जब आप किसी और के अकाउंट में डालते हैं, हाउ डू विड्रॉ। तो मैंने इससे कहा, मैंने कहा कॉल काट दो, तो कॉल इसने जब भी यू नो शी वाज नॉट श्योर कि कॉल काटनी चाहिए कि नहीं, तो इसने कहा कि काट दूं मैं सच में, आर यू श्योर, मैंने कहा यस, तो इसने कॉल काट दी। कॉल काटने के बाद उसको दोबारा एक बार कॉल आया,
इस मैंने इसको उठाने नहीं दिया कॉल, फिर उनका कॉल नहीं आया। लेकिन गाइज ये बात किसी के भी साथ हो, और ये मैं तो कहूंगा सबके साथ होती है, कॉल्स मैसेज तो अभी भी आते हैं, मैसेज आते हैं कि भाई आप इस पे लिंक पे क्लिक कीजिए एंड ऐसा होगा वो होगा। तो आपको पहले एक रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई देगा, जब आप कॉल उठाएंगे तो आपको एक रिकॉर्डेड मैसेज आएगा कि भाई आपके नाम पे कुछ ऐसे वारंट है, तो प्लीज प्रेस दिस नंबर टू टॉक टू द समबडी रिगार्डिंग दिस इशू। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कॉल काट देना। This is the simplest way to avoid these scams. It's just avoid the call, just cut the call. हाँ, इसने सिम नंबर शेयर कर दिया था, फिर हमने सर्विस कनाडा पे कॉल किया, उन्होंने हमें एक लिंक दिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें दो लिंक दिए, दो नंबर्स दिए, उन्होंने कहा कि आप इस पर रजिस्टर कर दीजिए कंप्लेंट। वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी यू नो जस्ट टू मेक श्योर, आपने बैंकिंग डिटेल्स शेयर नहीं किया। मैंने कहा नहीं किया हमने अभी तक, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई नहीं, आपको नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप उस नंबर को रख सकते हैं, बस इस पर रजिस्टर कर दीजिए, कॉल करके कंप्लेंट रजिस्टर कर दीजिए और बस यू आर गुड। तो किसी को नहीं देना, बैंक एजेंट आल्सो। हाँ, तो इसलिए आप इस चीज की चिंता ना करें, बस कॉन्फिडेंट रहें। इमिग्रेशन पे भी, कंट्री में आने के बावजूद भी, जो भी आप कर रहे हैं, आप यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज फ्रॉम इंडिया टू कम हियर, यू नो आईएलटीएस क्रैक करना, फिर कॉलेज में एडमिशन लेना, फिर वो पढ़ाई करना। और कोई कुछ भी बोले कि यहाँ पर तो ऐसा हो जाता है, इमिग्रेशन ऑफिसर आपको निकाल देते हैं, तो आपके पास अगर आपने फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं तो रिजेक्शन है, और आप समझ नहीं पा रहे हो, तो उन्हें भी पता है भाई आपने आईएलटीएस क्लियर करा है सारी चीजें, आप बोल दो एक्सेंट समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो आपको जब इमिग्रेशन पे भी अगर आप बात करें तो बस वो कीवर्ड्स जो बोलेंगे वो कर लीजिएगा, विच कॉलेज, कॉलेज का नाम बता दीजिए, विच कोर्स का नाम बता दीजिए, एनी रिलेटिव और नोन हियर इन कनाडा, वो आप अगर कोई आपका है, कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, कोई एक्सटेंडेड फैमिली है, और रेलेवेंट कोर्स नहीं है तो आपने कोर्स चूज क्यों किया, व्हाई यू चूज, हाँ व्हाई यू चूज दिस कोर्स, इससे ज्यादा वो आपसे एज अ स्टूडेंट कुछ नहीं पूछेंगे। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अंदर आने के बावजूद भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑन व्हाट यू आर, यू हैव अचीव्ड ऑलरेडी अ लॉट ऑफ थिंग्स, और बाकी तो आई थिंक दैट्स इट। अगर आपको फिर भी इसके अलावा भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डाउट अगर हो हमारे वीडियो से रिलेटेड, कोई सजेशन हो, आप हमें जरूर मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, थोड़ी ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो कुछ तो आपको समझ में चीजें आएंगी, हमें भी अच्छा लगा ये शेयर करके आपसे। और अगर इससे रिलेटेड आपको और भी अगर कुछ जानना है तो आप यू आर फ्री टू पिंग अस ऑन यूट्यूब ऑल्सो, आप कमेंट भी डाल सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी आप हमें मैसेजेस डाल सकते हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आने के बाद आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको उसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो भी वी आर हेयर टू हेल्प यू गाइस इन एवरी वे विच वी कैन। और आई होप गाइस, सच बात तो यह, बताने को तो बहुत कुछ है, हम छोटी छोटी चीज क्या बताएं, तो हो सकता है आप भी ये सोचोगे कि हमने आपका बहुत टाइम ले लिया, तो आपको कुछ भी क्वेश्चन हो किसी भी स्पेसिफिक चीज के बारे में, कोई भी क्वेरी हो, जस्ट डीएम अस। हाँ, और घबराने की, मैंने आपको पहले भी कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, और जैसे इसके साथ हो गया था किसी के भी साथ हो सकता है, तो जस्ट बी अवेयर अबाउट दीज फ्रॉडुलेंट कॉल्स, वो कहीं पे भी आ सकती है। तो सिम नंबर नहीं देना है, सिम नंबर नहीं देना अनलेस एंड अंटिल आपको बैंक वाला, और आपको सिम कार्ड में भी शायद वो मांगेंगे सिम। तो आपको जहां पे भी ऐसा लगे कि भाई थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है, थोड़ा डाउट है चीजों को लेके, तो आप मत करिए, आप वहां पे शेयर ना करिए, या आप सर्विस कनाडा पे कॉल कर लीजिए, वो आपको बता देंगे कि वो इंसान लायबल है कि नहीं आपका सिम नंबर जानने के लिए। अगर वो कहते हैं नहीं, तो आपको देने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो कहते हैं हाँ, जरूरी लाइन है। हाँ, तो वैसे वो अपॉइंटमेंट के टाइम पे सब बता ही देते हैं। बाकी वी आर गुड टू गो, और जल्दी जल्दी अब हम कोशिश करेंगे कि हम आपको और वीडियोस ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। तो टिल देन गाइस, हमारी वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम लोगों को लेके मोटिवेशंस मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।